जब पिज्जा खाने का मन करे तो बाहर से क्यों मंगाना, वो घर पे ही बहुत ही इजीली बन सकता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज्जा पराठा रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले सब्जियां काट ली हैं, प्याज टमाटर शिमला मिर्च, और आटे की हमने दो बॉल्स बना ली हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी एक रोटी बना लेनी है और इसी तरीके से दूसरी बॉल से दूसरी रोटी बना लेनी है। जब ये दोनों तैयार हो जाएं, उसके बाद दोनों के ऊपर पिज्जा सॉस को स्प्रेड कर देना है। और ये आटे का बना हुआ होगा पिज्जा पराठा, तो ये हेल्दी भी रहेगा। और जो हमने सब्जियां काट रखी थी उन्हें मिक्स कर लेना है, और उसमें अगर टेस्ट के लिए चाहें तो चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो भी मिक्स कर सकते हैं, और थोड़ा सा चीज इसमें स्प्रेड कर देना है। और जो दोनों लेयर हैं उन्हें चिपका देना है, और चिपकाने के लिए हम फॉक का यूज कर रहे हैं, और फॉक से थोड़ा सा उसके किनारों को प्रेस कर देंगे तो वो पूरा बंद हो जाएगा, और जब हम इसे पकाएंगे तो वो खुलेगा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बंद हो चुका है, और तवा गरम करके उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर इसको आप तवे पर पका लीजिए। और ये रेसिपी है भी बहुत इजी और बहुत टेस्टी बनता है, सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो पिज्जा पराठा तैयार है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और एक बार प्लीज आप इसे ट्राई करके देखिए, बहुत ही यमी डिश है।